प्रवर्तन निदेशालय ने पनामा पेपर लीक केस में बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया गया, जहां करीब 5 घंटे तक पूछताछ चली। इसके बाद ऐश्वर्या दफ्तर से बाहर निकली और कार में बैठकर रवाना हो गई। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि अभिनेत्री को बाद में भी किसी और दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है या नहीं। बता दें कि आज ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के जामनगर हाउस दफ्तर पहुंची थी, जहां पहले से ईडी के अधिकारी ऐश्वर्या से पूछताछ से जुड़ी सवालों की लंबी फेहरिस्त के साथ मौजूद थे। वहीं इस पूरे मामले पर राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन अब बहुत जल्दी आने वाले हैं। और खासी नाराज दिखी जया बच्चन ने कहा, मुझ पर निजी हमला किया गया और मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे। जिस तरह से सरकार अपना कार्य कर रही, सबसे ज्यादा नाराज हूं कि मेरे कोलीग्स यहां बैठे हुए हैं। आप लोग कहते हैं कि मैं मिठाई देती हूँ, बिस्किट देती हूँ। आई डोंट नो व्हाट एल्स आई कैन डू फॉर देम। आई रियली एम एंग्री। दिस इज नॉट जस्टिस। और इस सरकार से जस्टिस एक्सपेक्ट करना बिल्कुल बेकार। जैसे इन्होंने फार्मर्स से, किसानों से माफी मांगी, एक दिन इन सारे एमपी से माफी मांगनी होगी। इनके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। उल्टी गंगा में नहा के आए हैं सारे के सारे, उल्टी गंगा में नहा के आए। वहाँ तो उल्टी गंगा बह रही ना, वहाँ सब नहा के आए, डुबकी मार के आए, सब उनके पाप धुल गए, गंगा मैली हो गई। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए कोबरा पोस्ट हिंदी को सब्सक्राइब करें और अलर्ट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ दोस्तों, साथ ही हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर